आने वाले कुछ महीनों बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी धमक अब नेताओं की जुबान में सुनाई देने लगी है और शायद इसी का नतीजा है कि बीजेपी के नेताओं की जुबान में विरोधाभास की बू आ रही है। दरअसल अभी कांग्रेस में उठी अंदरूनी कलह शांत भी नहीं हुई थी कि अब बीजेपी के नेताओं ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर जुबान से जो शब्द निकले हैं उनसे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि नागौर जिले की पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया था, जहां ओम प्रकाश माथुर ने बीजेपी आलाकमान पर हमला बोलते हुए कहा कि गलत फहमी में मत रहना, जो मैं खूंटा गाड़ दूंगा तो उसे पीएम मोदी भी नहीं हिला सकेंगे। अब ओम प्रकाश माथुर का ये भाषण सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया है। तो हर गांव एक एक मत जाना ध्यान रखा फोटो काट दियो ना तो फिर मोदी भी नहीं ला सका। कोई मनुष्य बात आपको बता दें कि ओम प्रकाश माथुर राजस्थान के पाली जिले के बीडल गांव के निवासी हैं। वो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। वो आरएसएस के पूर्व प्रचारक भी रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में प्रभारी रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत दिलवाने और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हुए तो लोकसभा चुनाव में गुजरात का बीजेपी में प्रभार ओम प्रकाश माथुर के हवाले था। गौर हो कि ओम प्रकाश माथुर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीबी भी माना जाता है। माथुर इस समय बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। वहीं नागौर में दिए गए ओम प्रकाश माथुर के इस बयान का बड़ा अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गलतफहमी में मत रहिए, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं, जयपुर से जो लिस्ट जाएगी वो मेरे पास से होकर जाएगी और जो खूंटा मैं गाड़ दूंगा उसे मोदी भी नहीं हिला सकेंगे। पोस्टर बैनर के चक्कर में मत रहिए। ओम प्रकाश माथुर के इस बयान के बाद से राजस्थान बीजेपी में सियासी हलचल मच गई है। मालूम हो कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी में होने हैं, जहां भाजपा में सीएम फेज को लेकर सियासी खींचतान चल रही है। पार्टी नेता आलाकमान का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बता दें कि राजस्थान के सियासी इतिहास में ओम प्रकाश माथुर को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। वहीं माथुर ने हाल ही में 2 दिन पहले ही सीएम फेज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उसका फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। इससे पहले माथुर ने कहा था कि वो सीएम की रेस में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।